ஹலோ, குட் மார்னிங் இந்தியா. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. Hello. Good evening guys, welcome to India's number one education channel Wi-Fi Study, changing the way of learning. Now is the part of Un Academy. मैं विवेक पांडे, स्वागत है आपका RBJEE IT classes में. आज का topic है हमारा DBMS का segment है आपका joining. आज हम डिस्कस करेंगे DBMS में ज्वाइनिंग क्या होता है, उसके यूजेस क्या हैं, उससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये सारा डिस्कशन हम करेंगे यहाँ पे. लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले दो पॉइंट मैंने पहले क्लियर कर देता हूँ. कल के क्लासेस में जैसे बच्चों का ये क्वेरी आ रही थी कि सर ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है या जो भी है, तो सबसे पहले ना DBMS की क्लासेस हम लोग रन कर रहे हैं, ये बात दिमाग में रखिए. हम लोग DBMS की क्लासेस रन कर रहे हैं और इसके बेसिक पार्ट फंडामेंटल ऑलरेडी मैंने क्लासेस पहले करवा दी है और उसके कुछ एडिशनल पार्ट थे जो यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे थे, जैसे नॉर्मलाइजेशन का पार्ट था, रिलेशनल अलजेब्रा का पार्ट था. तो थोड़ा DBMS का बेसिक पार्ट है वो आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए. आपका रिलेशन क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए था, आपका रिलेशन क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए था. टाइप्स ऑफ की जो ऑलरेडी मैंने पहले डिस्कशन करा है और बीच बीच में वाया MCQ मैंने रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करा है और आगे भी मैं टाइप्स ऑफ कीज के बारे में डिस्कशन करूंगा. टाइप्स ऑफ कीज के बारे में आपका कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए, ठीक है. थोड़ा बहुत SQL के बारे में, अभी SQL मैंने किया नहीं है, SQL में और दोबारा भी करूंगा और ऑलरेडी पहले भी करा है मैंने. तो ये दो तीन जो फंडामेंटल पार्ट है DBMS के, कुछ कुछ टर्म, कार्डलिटी क्या होती है, डिग्री क्या होती है, स्कीमा क्या होता है, ये सारे टर्म मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कराया. ये बेसिक है बेटा, फंडामेंटल पार्ट, वो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. मैंने पहले ही क्लास में बोला था कि आपको हमेशा रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना होगा. अगर रिवीजन आप नहीं करते हो तो चीज़ें आपको समझ में आगे नहीं आती है. तो सबसे पहला रिवीजन अच्छे से कीजिए और जो भी पॉइंट में डाउट होता है हमें जरूर कमेंट मिलेगी. सिर्फ ये होता है कि सर ये क्लियर नहीं, आप डायरेक्ट पॉइंट लिख दो कि सर ये पॉइंट मेरे को क्लियर नहीं, मैं वहाँ पर आपको जवाब दे दूंगा बच्चों. तो सबसे पहले DBMS चैप्टर, मैंने CBT 1 के एग्जाम के बाद जो पहली क्लास हुई थी यानी आज से दो दिन पहले, तो मैंने सिलेबस सारा वहाँ पे डिस्कशन करा था. एक बार उस वीडियो को आप देखो, मैंने लिखा है उसमें DBMS में क्या क्या पढ़ना है. तो उसी में से पार्ट था आपका एक नॉर्मलाइजेशन पार्ट था, रिलेशनल अलजेब्रा, जिसको मैंने कल डिस्कशन कर दिया था. तो सबसे पहले इसका बेसिक आप एक बार प्रीवियस वीडियो से देख सकते हो, यहाँ पे बेसिक जो मैंने ऑलरेडी क्लियर करा है और उसके बाद डे बाय डे मैं यहाँ पे और अभी वाया MCQ में चीज़ें यहाँ पे क्लियर करूँगा. तो सबसे पहले ज्वाइनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ MCQ यहाँ पे कराऊँगा जो लास्ट क्लास पे बेस्ड होगी. यानी लास्ट क्लास हम लोगों ने जो पढ़ा, रिलेशनल अलजेब्रा मैंने पढ़ा था और इस पे बेस्ड MCQ मैं पहले आपसे डिस्कस करूँगा, उसके बाद मैं ज्वाइनिंग का पार्ट डिस्कस करूँगा. तो पहले ये याद रखिएगा कैसे हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन करना है. हम लोग ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी ये ख़त्म कर दो ये ख़त्म, हम लोग विथ प्लानिंग आगे काम करेंगे तो ताकि चीज़ें हमारी ज़्यादा आसान हो जाएगी. तो लेट्स स्टार्ट फॉर सम MCQ बेस्ड ऑन रिलेशनल अलजेब्रा. आपको याद होना चाहिए कि इन SQL में, इन डेटाबेस में हम क्वेरी दो ही तरह से कर सकते, दो ही लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एक SQL क्वेरी यूज़ करते हैं और रिलेशनल अलजेब्रा का यूज़ करते हैं. दोनों प्रोसीजर लैंग्वेज कैटेगरीज में आता है. SQL आपका नॉन प्रोसीजर है, ये आपका प्रोसीजर लैंग्वेज की कैटेगरी में आता है. तो रिलेशनल अलजेब्रा के थ्रू हम क्वेरी कर सकते हैं. रिलेशनल अलजेब्रा का डिटेल हमने कल डिस्कशन कर दिया था, आपने देखा होगा, कल हमने बताया था फंडामेंटल कितने होते हैं रिलेशनल अलजेब्रा, उसके यूजेस क्या होते हैं, उसकी कैटेगरीज क्या होती है, ये कल की क्लास में हमने डिस्कशन करा था और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं एग्जाम सेशन में, वो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद मैं ज्वाइनिंग पार्ट डिस्कशन करूंगा और फिर ज्वाइनिंग से कैसे MCQ बन सकते हैं वो यहाँ मैं डिस्कशन करूंगा. तो कीप पेशेंस, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो कल ही का चैप्टर पे बेस्ड है,
ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस, क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा, इनमें से कौन सा है जो रिलेशनल अलजेब्रा का, इनमें से कौन सा पार्ट है जो रिलेशनल अलजेब्रा का फंडामेंटल क्वेश्चन, ध्यान से देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल अलजेब्रा का कौन सा इसमें से जो फंडामेंटल ऑपरेशन है, ठीक है। तो अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने उसमें डिस्कशन किया है कि रिलेशनल अलजेब्रा के मात्र 6 हैं जो फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन है ये मैंने कल बताया था आपको, यहां पे याद होगा कि मैंने डिस्कस किया था कि सेलेक्ट है वो आपका फंडामेंटल होता है, रिनेम है वो आपका आ जाता है, विथ यूजेस मैंने कल डिस्कशन किया था। तो मात्र 6 ही है जो रिलेशनल के फंडामेंटल ऑपरेटर होते हैं, कौन, सेलेक्ट, रिनेम, यूनियन, प्रोजेक्शन, कार्टिजन प्रोडक्ट, कार्टिजन प्रोडक्ट हो गया, सेट डिफरेंस, तीन छह, यही तीन है जो रिलेशनल अलजेब्रा के फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, इसके अलावा कोई फंडामेंटल नहीं है, बाकी सारे जो एक्सट्रैक्ट हैं। तो आपको याद रख, अब एग्जाम में क्या पूछा है कि कौन सा फंडामेंटल है, तो क्या ये 6 में से कोई ऑप्शन में है, नहीं है ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द मेंशन, ठीक है। वही अगर फंडामेंटल पार्ट नहीं लिखा होता तो हम आंसर लिख सकते, क्योंकि एडिशनल रिलेशनल ऑपरेटर होता है आपका सेट इंटरसेक्शन नेचुरल ज्वाइन, ये एडिशनल होता है लेकिन फंडामेंटल नहीं होता। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था फंडामेंटल क्या होता है, तो बेटा फंडामेंटल मात्र ये 6 होता है, इसके अलावा कोई फंडामेंटल नहीं है, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द मेंशन, इज इट ओके। ऐसे ही क्वेश्चन आपको रिलेशनल अलजेब्रा से क्लियर होते हैं, कोई डाउट नहीं यहाँ पे, विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कलर इसका ब्राइटनेस कम कर दिया है, हर तरह से यहाँ पे विजिबिलिटी सही होनी चाहिए। अब रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पे, क्वेश्चन पूछा गया है विच इज अ यूनेरी ऑपरेशन, इनमें से कौन सा है जो यूनेरी ऑपरेशन है, यूनेरी और बाइनरी क्या होता है, ये कल मैंने एग्जांपल के साथ क्लियर किया था, वो 6 जो मेरे वहां पे थे, जो भी 6 ऑपरेटर थे उनमें से कुछ है जो यूनेरी है और कुछ है जो बाइनरी है, ये मैंने कल की क्लास में भी डिस्कशन करा था, फिर भी आप यहां एक बार बता दूं, यूनेरी का मतलब हो गया वैसा ऑपरेटर जिससे एक रिलेशन का यूज करते हैं, और बाइनरी जिसमें एक या एक से अधिक रिलेशन का यूज करते हैं, जिसमें एक टेबल के थ्रू यूज करें वो यूनेरी हो गया, और ऐसा जिसमें दो टेबल का यूज करें वो आपका बाइनरी हो गया। तो कल मैंने ये सारा डिसीजन कर दिया था, आप कल का वीडियो देख सकते हो, मैंने यूनेरी और बाइनरी का डिफरेंस क्लियर कर दिया था। तो अकॉर्डिंग टू रूल विच वन इज अ यूनेरी ऑपरेटर, सेलेक्शन, प्रिमिटिव, यूनियन ऑपरेटर या जनरलाइजेशन, तो यूनियन में क्या है, यूनियन का तभी हम यूज कर सकते हैं जब मेरे पास दो टेबल हो, ठीक है, जब दो टेबल होगा तभी हम यहां पे, क्योंकि ये कॉमन वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता है, और सिलेक्शन एक ऐसा ऑपरेटर है जिसमें मात्र एक टेबल के थ्रू भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो दैट मींस इन दिस क्वेश्चन सिलेक्शन ऑपरेशन इज द एग्जांपल ऑफ यूनेरी ऑपरेशन। एकदम याद रखो यार, कल मैंने इतना अच्छा वहां पे समझाया था, याद हो जाना चाहिए, जितने चीजें मेमोराइज रखोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा गाइज। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे क्वेश्चन रिलेशनल अलजेब्रा से पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन, इनमें से कौन सा है जो रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन नहीं है। तो एक पॉइंट क्लियर है आपका कि रिलेशनल अलजेब्रा कितने, मात्र 6 ही वहां पे थे, 6 को सिंबल क्या क्या थे ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था, अगर कल का वीडियो आप देखा होगा वहां पर सेलेक्ट को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते थे, सिग्मा हो गया, प्रोजेक्शन को हम लोग पाई से डिनोट करते थे, उसके बाद प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस से डिनोट करते थे, डिफरेंस को हम लोग माइनस से, सेट डिफरेंस था उसको माइनस से डिनोट करते थे, और जो रिनेम था उसको रॉ से डिनोट करते थे। तो
ये सिग्मा सेलेक्ट के लिए था, ये प्रोजेक्शन के लिए था, ये प्रोडक्ट के लिए था, ये डिफरेंस के लिए था, और ये आपका रीनेम के लिए था। तो ये सारे, और यूनियन तो आपका ये यूनियन था ही। तो यही मात्र 6 ऑपरेटर हैं जो यूज किया जाता है रिलेशनल अलजेब्रा में, ठीक है। कल मैंने इसकी कोडिंग भी करी थी, आप कल के वीडियो आप उसको देख सकते हो। अब देखो इनमें से कौन सा जो ये 6 ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, बस वही चेक करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले यूनियन, यूनियन हाँ बेटा हाँ है, तो ये होता है, ये रिलेशनल अलजेब्रा का एग्जाम्पल है। डिफरेंस ये नहीं होता है, डिवाइड नाम का कोई ऑपरेटर हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा में यूज नहीं करते हैं। हाँ सेट डिफरेंस, ये आपका सेट डिफरेंस का एग्जाम्पल है, ये होता है। ये आपका कार्टिजन प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है, ये होता है। सबका डिटेलिंग मैंने कल बता ही दिया था, एक बार देख सकते हो, बस उससे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आज आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इन दिस क्वेश्चन विच इज द राइट आंसर, द बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया था विच वन इज अ नॉट रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन। पहले बेसिक समझो, फिर मैं क्वेरी करवाऊंगा इस पे, एसक्यूएल क्वेरी आएंगे एक आपके एग्जाम में, वो मैं टेस्ट सीरीज में करवा दूंगा यहां पे। तो ये इसका सही आंसर हो गया। तो पहले फंडामेंटल तो आप क्लियर रखो बेटो, चलिए इज इट ओके, कोई डाउट नहीं। तो ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस थे जो रिलेशनल अलजेब्रा पे बेस्ड थे, जो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन करा था। शुड बी कंप्लीटली क्लियर, क्लियर है तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर ये चीज़ें मुझे क्लियर हो चुकी है। विजिबिलिटी की इशू नहीं आनी चाहिए, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे, अभी मैंने फॉन्ट भी चेंज यहाँ पे कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है आपके सामने। कार्टिजन प्रोडक्ट इन रिलेशनल अलजेब्रा इज अ यूनरी ऑपरेटर, इज अ बाइनरी ऑपरेटर, इज अ टर्नरी ऑपरेटर या नॉट डिफाइंड। कार्टिजन प्रोडक्ट रिलेशनल अलजेब्रा में क्या है, यूनरी है, बाइनरी है, ठीक है, या आपका टर्नरी है। तो सिंपल सा बात है, कार्टिजन प्रोडक्ट का हम तभी यूज कर सकते हैं जब मेरे पास दो टेबल है। कल मैंने मैपिंग करके आपको दिखाया था कि दो टेबल के बीच में हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए कार्टिजन प्रोडक्ट का यूज करते थे। तो ये तभी पॉसिबल है जब मेरे पास दो टेबल होगा। तो जब दो टेबल आ गया तो दैट मींस इट इज द एग्जांपल ऑफ बाइनरी ऑपरेटर। यानी कार्टिजन प्रोडक्ट ऑलवेज यूजफुल व्हेन वी हैव टू रिलेशंस, दैट मीन्स अ कार्टिजन प्रोडक्ट इज अ एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी ऑपरेटर। कल मैंने सबका डिफरेंस बता दिया था, एक बार कल का वीडियो भी आप एक बार देख सकते हो गाइज। तो ये क्वेश्चंस थे रिलेशनल अलजेब्रा बेस्ड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर है यहाँ पे, एक बार अच्छे से बता दो कि सर रिलेशनल अलजेब्रा के क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि अब टाइम पास नहीं बात चलेगी, हर दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विद इन अ 45 to 60 days आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। अगर डाउट है आपको तो अभी क्लियर कर लो, नहीं तो बाद में आपको कोई समय नहीं मिलने वाला है गाइज। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका MCQ जो बेस था रिलेशनल अलजेब्रा बेस। अब मैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करता हूं, जो टॉपिक है आपका ज्वाइनिंग। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्वाइनिंग पार्ट। देखो अपने भाषा में समझते हैं, ज्वाइन करने का मतलब क्या हो गया, ज्वाइन का मतलब वो बचपन से सीखते हैं जोड़ना, जोड़ना। तो यहां पे क्या जोड़ना, अगर दो रिलेशन है ए और बी, कोई दो रिलेशन है, दो इंडिविजुअल रिलेशन है, और दो इंडिविजुअल रिलेशन को हम कंबाइन करना चाहते हैं, ये दोनों को हम कंबाइन करना चाहते हैं, ठीक है। इन एसक्यूएल क्वेरी, SQL में मेरे पास दो इंडिविजुअल टेबल है भाई, एक कॉलेज वन का स्टूडेंट था, एक कॉलेज टू का स्टूडेंट है। लेकिन जब क्वेरी हम करते हैं तो हम ज़्यादा टाइम क्यों कंज्यूम करें, दोनों को हम ज्वाइन कर दें, देन डेटा हम इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। DBMS को क्यों बनाया गया था, DBMS में SQL का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था बेटा, SQL का यूज़ क्या है, हम इजिली डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने नॉर्मलाइजेशन में ये सारी चीज़ें क्लियर करी थी कि DBMS को डे बाई डे इम्प्रूव किया गया है, क्यों, ताकि चीज़ें मेरी आसान हो जाए। मैंने एग्जामिनेशन सिलेबस का, एग्जामिनेशन फॉर्म का मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो वही पार्ट है कि अब मेरे अभी तक क्या था, दो इंडिविजुअल रिलेशन थे, इससे हम इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, इससे इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। लेकिन अगर दोनों को कंबाइन करके हम काम करें तो चीज़ें मेरे लिए आसान हो जाएगी, रिजल्ट मेरे लिए आसानी से एक्सट्रैक्ट हो सकता है। दैट मीन्स वी यूज ज्वाइन क्लाउज, ये एक तरह का क्लाउज है,
ठीक है, क्वेरी नहीं है, क्लाउज है। क्लाउज जैसे इन हम लोग यूज करते थे, बिटवीन यूज करते थे, सेम एज आपका ज्वाइन है। इन और बिटवीन के बारे में आप आइडिया होगा जो मैंने एसक्यूएल क्वेरी में करी थी, आप एक बार वीडियो उसको जरूर जाके देखो, प्रीवियस वीडियो को। वैसे मैं कल के सेशन में जो है वो टेस्ट मैं आपका लॉन्च करने वाला हूँ कल के सेशन में, जो सिर्फ DBMS बेस्ड क्वेरी होगी वहाँ पे, तो हम मैक्सिमम एसक्यूएल कराऊंगा और जो भी आपके डाउट होंगे वहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि ज्वाइन एक क्लाउज है यूज टू कंबाइन रोज फ्रॉम द टू एंड मोर टेबल बेस्ड ऑन ए रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। डेफिनेशन है, डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस याद रखिएगा ये है क्या, एक क्लाउज है, ठीक है। इज इट ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं। यूज क्या करते हैं, तो दो टेबल के रो को रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए यूज करते हैं और कोई काम नहीं है भाई, ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। अपने भाषा में समझो भाई, अपने भाषा में। यूज टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। चलिए चलिए, क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ ज्वाइनिंग में हम कितने तरीके से टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ज्वाइनिंग जो है आपका ये चार टाइप का ही है, इनर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन, ठीक है। इनर ज्वाइन, इसी को हम लोग इक्वी ज्वाइन भी बोलते हैं, ये आपका इक्वी ज्वाइन हो गया और इसी से एक्सट्रैक्ट आपका है नेचुरल ज्वाइन, ये आप कंफ्यूज मत होना, नेचुरल ज्वाइन, ठीक है। तो इनर ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन एक ही प्लेटफॉर्म के हो गए। आफ्टर दैट आउटर ज्वाइन, और आउटर ज्वाइन के तीन पार्ट, वैसे बोल सकते हैं बेसिकली दो ही है, एक इनर एक आउटर है, ठीक है। आउटर को तीन भाग में कैटेगराइज किया गया, एक लेफ्ट आउटर ज्वाइन, दूसरा आपका राइट आउटर ज्वाइन और थर्ड आपका फुल आउटर ज्वाइन। ये ज्वाइनिंग के टाइप है जो आपको याद रखना है। ज्वाइनिंग का यूज क्या है, तो दो टेबल के रिलेशन को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं ज्वाइनिंग के। कितने तरीके से ऐड कर सकते हैं, तो ये चार तरीके से बच्चों यहां पे ऐड कर सकते हैं। अब यहां पे हम वन बाय वन सारे ज्वाइनिंग का टाइप आपको एक्सप्लेन करते हैं, आफ्टर दैट मैं कुछ एमसीक्यू करवाऊंगा, देन ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ज्वाइनिंग से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और डे आफ्टर वन मैं इससे क्वेरीज भी करवाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। तो ये रहा सबसे पहला आपका इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन का यूज क्या है, दिख रहा है आपको यहां पे विजिबिलिटी कोई इश्यूज नहीं है। Returns record that have matching value in both table, that is also known as a equi join. ठीक है, अभी मैंने पहले बता दिया था। कहने का मतलब है कि मेरे पास कोई टेबल ए है और कोई टेबल बी है, तो इनर ज्वाइन का यूज करके जो दोनों का कॉमन वैल्यू होगा उसी को हम ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनर ज्वाइन, ठीक है। कुछ ऐसे नाम होंगे जो यहां पर भी हैं और यहां पर भी हैं, तो वो दोनों को मैच करने के लिए यानी ज्वाइन करने के लिए हम यूज करते हैं इनर ज्वाइन। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, रिटर्न रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल, दिस इज ऑल्सो नोन एज, जो दोनों टेबल में वैल्यू को जो मैच करे, यानी ये वाला पार्ट, ये आपका कहला गया इनर ज्वाइन, और ऑल्सो नॉन एज ए इक्वी ज्वाइन एंड इसी नेचुरल ज्वाइन इन अनदर टाइप ऑफ इक्वी ज्वाइन या इनर ज्वाइन। इज इट ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं यहां पे। चलिए नेक्स्ट पार्ट, मैं एग्जांपल देखो अभी यहां पे। अब इनर ज्वाइन का मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां पे। देखो बच्चों, दिख रहा है यहां पे दो टेबल है, मैं ध्यान से समझिएगा चीजों को, समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे कॉन्सेप्चुअल की क्वेश्चंस आने वाले हैं बच्चों। मेरे पास दो टेबल है, मैंने क्या बोला, यूज क्या किया था, दो टेबल के रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए। तो मेरे पास दो टेबल है, एक आपका स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल की दो फील्ड है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम। आईडी मैंने दिया वाईफाई 01020304, ये इसकी आईडी हो गई। नाम मैंने यहां पे फिल करा। दूसरा टेबल है एड्रेस का, कि हर स्टूडेंट का एड्रेस कहाँ है, तो
तो 01 वाला जो बच्चा है उसका एड्रेस दिल्ली है, 02 वाला जो बच्चा है उसका एड्रेस मुंबई है, और थर्ड वाला जो बच्चा है उसका एड्रेस कलकत्ता है। अब मेरे को क्या करना है कि ये दोनों टेबल को कंबाइन कर देना है, मेरा यही नीड है, कंबाइन कर दें ताकि चीज़ें मेरी आसान। अब हमें दो इंडिविजुअल टेबल देखने की जरूरत ना पड़े, मेरे को एक टेबल से मेरा आंसर मिल जाए। दैट्स वाई वी यूज अ ज्वाइनिंग। तो इनर ज्वाइन का हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन आपने पहले बता दिया, उस डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट रख लो, आपको काम आएगा, थोड़ा सा वीडियो पीछे करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये दो टेबल है, अब दो टेबल को मेरे को कंबाइन करना है। अब इसका सिंटैक्स क्या होगा, यानी इसकी एसक्यूएल क्वेरी क्या होगी, वो मैं यहां पे आपको डिस्कस करता हूं। चलिए, मैंने क्वेरी क्या है इसका, ये आप देख लो यहां पे। क्वेरी सेलेक्ट, हमें सारे रिकॉर्ड क्वेश्चंस ये पूछा गया, क्वेरी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चंस मेरे पास है, हमें वो सारे बच्चे का डिटेल दीजिए जो दोनों में कॉमन है, ये क्वेश्चन था मेरा। तो मैंने क्वेरी क्या लिखा, सेलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब ऑल। देखो थोड़ा बहुत क्वेरी का आइडिया तो आपको होगा, नहीं होगा तो वीडियो पीछे देख लो, मैंने क्वेरी वहाँ करी है, और कल का सेशन तो पूरी क्वेरी ही होने वाली है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, सिंटैक्स यही है। स्टूडेंट, स्टूडेंट यानी पहला टेबल, टेबल नंबर वन। इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर किए। फिर टेबल नंबर टू, याद करो पहले टेबल नंबर टू, तो दिख रहा है यहां पे। चलिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट जो टेबल नंबर वन है, इनर ज्वाइन एड्रेस जो टेबल नंबर टू है, वेयर स्टूडेंट, ये मतलब रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए, वेयर स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी इक्वल टू एड्रेस डॉट स्टूडेंट आईडी, यानी ये दो काम आपका फॉरेन की का वाला पार्ट यहां पे हो गया। तो ये इसका सिंटैक्स हो गया बच्चों। अब इसका आउटपुट क्या मिला हमें, मेरे को आउटपुट क्या, जैसे ये क्वेरी निकले मेरे को ये आउटपुट निकल गया। क्वेरी समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ पे, बस याद क्या रखना, सिंटैक्स याद रखना, एग्जाम में सिंटैक्स ही आते हैं। वहाँ पे आपका स्टेटमेंट दिया रहेगा और उस पर आपको क्वेरी वहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो यही याद रखिए। एस्ट्रिक तो चलो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कंडीशनल भी आपने पहले बताया है मैंने। तो इनर ज्वाइन कहाँ यूज़ होता है, इनर ज्वाइन दो टेबल के बीच में यूज़ होता है, स्टूडेंट और एड्रेस, दो अलग अलग टेबल था, दोनों के बीच में मैंने यूज़ करा इनर ज्वाइन। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, सेमी कॉलन, यहां से टेबल क्लोज कर दिए। आउटपुट मेरे को क्या मिला, तो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी, ठीक है, ये मेरा आउटपुट हो गया। देखो जो जो कॉमन था, यही तीन पार्ट कॉमन था। आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाओ इस टेबल में, देखो कि फोर ये वाला पार्ट इसमें नहीं है, यानी कि ये फोर इसमें नहीं है। आप देखो वाईफाई 004 का रिकॉर्ड एड्रेस में नहीं है, तो आंसर में मेरे को वो फोर वाला पार्ट शो नहीं हुआ, ठीक है, यानी वही पार्ट शो किया जो दोनों टेबल में कॉमन रिकॉर्ड था। आई थिंक शुड बी कंप्लीटली क्लियर, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब दोबारा एक बार देख लो क्वेरी, मैंने ऊपर वहां पे देख दिया है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये है क्वेरी का सिंटैक्स, मैंने लिखा है हमें वो सारे डिटेल चाहिए थे जो दोनों में कॉमन था। इनर ज्वाइन का मैंने कॉन्सेप्ट लगाया, यहाँ पे मैंने सिंटैक्स लिखा, और ये मेरा आउटपुट निकल गया। आउटपुट क्या दिया, तो जो दोनों टेबल में कॉमन रिकॉर्ड था वो मेरे सामने प्रोड्यूस कर दिया गाइज। तो ये था इनर ज्वाइन, क्लियर है। अब बता दो कि सर इनर ज्वाइन क्लियर हो चुका है, तब मैं आगे बढ़ता हूँ अब नेक्स्ट पार्ट पे। रात का समय होता है, थोड़ा लोगों को दिक्कत हो जाती है, लेकिन एग्जाम में आपको दिक्कत सहना पड़ेगा। अगर सब कुछ इतना आसानी से मिल जाता तो हर बच्चा जेई हो जाता, डिग्री लो जेई बन जाओ, डिग्री लो जेई बन जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसने कुछ एक्स्ट्रा करा, जिसने कुछ हटके किया, उसी को सफलता मिलती है। तो आपको कुछ ज़्यादा करना होगा औरों से, तभी आप सफल हो पाओगे। तो ये तो है, बीच बीच में मैं बताता रहूँगा कैसे हमें को स्ट्रैटेजी बनानी है। स्ट्रैटेजी तो मैंने पहले बता दी, हमेशा खुद को चार्ज रखो, डिस्चार्ज मत रहना, जिससे
नेगेटिविटी माइंड में कहीं मत लाना है कि ना होना है, ये होना है, वो होना है, होना तो है ही, ठीक है। अब वो कैसे होना है, वो जब करोगे तब डे बाय डे इम्प्रूव होता जाएगा। और कोई भी डाउट है तो ज़रूर क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में देखें, सर मेरे को इस टाइप के डाउट्स आते हैं, मैं वहाँ पर आपका डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, तो ये था आपका इनर ज्वाइन। नेक्स्ट आपका आता है नेचुरल ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन का एक पार्ट है, इट इज अ टाइप ऑफ इनर ज्वाइन। आप देख लो यहाँ पे, इट इज अ टाइप ऑफ इनर ज्वाइन विच इज बेस्ड ऑन फील्ड हैविंग सेम। फील्ड कहने का मतलब हो गया कॉलम, फील्ड कहने का मतलब यहां पे क्या हो गया कॉलम। ये तो आपको पता होगा ना, कॉलम को फील्ड बोला जाता है, ये तो बात टपल रिकॉर्ड को बोला जाता है, ये सब बेसिक है बेटा, मैंने पहले बताया था। इट इज टाइप ऑफ इनर ज्वाइन विच इज बेस्ड ऑन फील्ड हैविंग सेम नेम एंड सेम डेटा टाइप प्रेजेंट इन बोथ द टेबल टू बी ज्वाइन। कहने का मतलब है ऐसा ज्वाइन जो सेम डेटा टाइप को दोनों टेबल में होता है उसे ज्वाइन करके यहां पे देता है। नेम एंड सेम डेटा टाइप प्रेजेंट इन बोथ द टेबल टू बी ज्वाइन, सेम नेम एंड डेटा टाइप प्रेजेंट इन बोथ द टेबल टू बी ज्वाइन, ठीक है। यही इसका लॉजिक कहता है। स्टेटमेंट से अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो अभी मैं डायग्राम दिखाता हूं, वो तुरंत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले स्टेटमेंट यहां से आप देख लो, यहां पे आप इसे नहीं होता है लिख लो कॉपी पे, स्क्रीनशॉट ले लो, डेफिनेशन याद रखो क्योंकि डेफिनेशन भी कभी कभी पूछा जाएगा आपको, ठीक है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमें छोड़ना है, कहीं से हमें चिक नहीं कर सकता है एग्जामिनर, हम हर जगह पर रेडी रहेंगे तभी सिलेक्शन होगा, ये आपको रेडी रहना होगा इसके लिए। चलिए तो अब इसका एग्जाम्पल देख लो, ये फिर वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया, वही दो टेबल है आप देख सकते हो यहाँ पे, सेम टेबल है। एग्जाम्पल मैंने एक ही टाइप का लिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, अगर अलग अलग एग्जाम्पल लेते तो बच्चा थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है, इसलिए मैंने आपकी सहूलियत के लिए मैंने सेम टाइप का ही एग्जाम्पल लिए। सेम टेबल है, वही स्टूडेंट टेबल, वही एड्रेस टेबल, ठीक है। ये मेरा इनपुट वाला पार्ट हो गया, ये मेरा इनपुट टेबल है, यही दो, ठीक है, इनपुट हो गया, ये दो टेबल है जिससे मेरे को नेचुरल ज्वाइन करना। इससे पहले मैंने क्या करा था, इनर ज्वाइन करा था वहां पे, अब क्या करना है तो आपको नेचुरल ज्वाइन करना है। तो यही दो टेबल था, मैंने क्वेरी लिखी, क्वेरी में बस चेंजेस क्या आया, तो क्वेरी में बस चेंजेस यही आया कि वहां पे इनर ज्वाइन के जगह नेचुरल ज्वाइन हो गया। इनर ज्वाइन के प्लेस पे मैंने क्या रिप्लेस करा, तो यहां पे मैंने नेचुरल ज्वाइन है जो रिप्लेस कर दिया इनर ज्वाइन के जगह पे, ठीक है। अब मेरे को आउटपुट क्या मिला, आउटपुट मेरे को क्या चेंजेस आया, तो आपको अगर थोड़ा सा याद होगा प्रीवियस टेबल में तो आपने देखा होगा कि वहां पे स्टूडेंट आईडी दो बार लिखी हुई थी, यानी कि दोनों टेबल में स्टूडेंट आईडी थी, तो मेरे को दो बार स्टूडेंट आईडी वहां पे फ्लैश कर रहा था, लेकिन यहां पे क्या है मात्र एक बार स्टूडेंट आईडी फ्लैश कर गया, तो जो मैच हुआ उसको एक बार लिखा, बाकी को एलिमिनेट कर दिया। तो ये डिफरेंस है इनर ज्वाइन में और नेचुरल इनर ज्वाइन में, कोई डाउट यहां पर। ये आपका आउटपुट हो गया, आप थोड़ा सा इनर ज्वाइन का भी आउटपुट पीछे जाके देख सकते हो कि उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। तो वहां पे आपने देखा होगा कि स्टूडेंट आईडी दो बार कॉलम बना हुआ था और यहां पर मात्र एक ही बार बना हुआ है, तो यही डिफरेंस है नेचुरल ज्वाइन में और इनर ज्वाइन में, ठीक है। कोई डाउट नहीं यहां पे, कोई कंफ्यूजन, यही सिंटैक्स है, सिंटैक्स में कोई चेंजेस ज्यादा आया नहीं है, बस ज्वाइनिंग को यहां पे रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। वो सारे बच्चे का डिटेल मेरे पास आ गया जो दोनों टेबल में कॉमन थे, शुड बी कम्प्लीटली क्लियर। ये एग्जाम्पल क्या था, इनर ज्वाइन का। इनर ज्वाइन कौन किसे कहते हैं, वो ज्वाइनिंग जो दोनों टेबल में कॉमन वैल्यू होता है उससे एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने ला के रख देता है। एकदम बच्चे की तरह आपको समझा रहा हूँ ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, आपको डाउट ना हो, ठीक है। कन्फ्यूज़न होने की कोई आवश्यकता है नहीं, आप ज़रूर कमेंट पे करें कि सर इस टाइप के मेरे को डाउट आती है, कोई भी रिक्वायरमेंट है हमें ज़रूर बताएं, आपकी सारी रिक्वायरमेंटें यहाँ पे फुलफ़िल की जाएगी, बस एक ही है कि आपका सिलेक्शन हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो ये इनर ज्वाइन पार्ट क्लियर हो गया, मैं ज़्यादा लेंदी नहीं कर रहा हूँ इसे। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि आउटर ज्वाइन पार्ट पे। आउटर ज्वाइन का पहला पार्ट आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है। डेफिनेशन भी याद रख लो ना, डेफिनेशन यहीं से। डेफिनेशन क्या कहता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैच रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट आउटर ज्वाइन ये कहता है कि टेबल ए का सारा रिकॉर्ड देगा
और वो पार्ट जो टेबल बी में कॉमन है वही रिटर्न करके देगा, ठीक है। यानी ए का ऑल आएगा और बी का जो सम पार्ट यानी जो कॉमन होगा वही पार्ट आएगा, ये इसका वेन डायग्राम कहता है, ठीक है। यानी ए का क्या हो गया, ऑल हो गया और बी का आपका सम आ गया, किस में, आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन में। नाम से याद है आउटर है, जैसे लेफ्ट लिखा रहे तो या आप दिमाग में बैठा लो कि लेफ्ट का ऑल और राइट का मैचिंग पार्ट, लेफ्ट का ऑल और राइट का मैचिंग पार्ट। दोबारा रिपीट करता हूं, लेफ्ट का ऑल और राइट का मैचिंग पार्ट, ये रिटर्न देगा लेफ्ट आउटर ज्वाइंट। आई थिंक शुड बी कंप्लीटली क्लियर, आपको यहां पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है। आगे बढ़े, यहां पे लेफ्ट आउटर ज्वाइंट क्लियर है। चलिए ये हो गया इसके कॉन्सेप्ट, अब बात करते हैं इसकी क्वेरी की बात। चलिए फिर वही एग्जाम्पल मैंने लिया है, वही टेबल। चलो थोड़ा इसमें चेंजेस मैंने किया है। ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन पे बेस्ड है, ध्यान से देखो। स्टूडेंट में तीन रिकॉर्ड है, स्टूडेंट टेबल में तीन रिकॉर्ड है, 1, 2, 3, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, और एड्रेस में रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 एंड रोल नंबर 5 है, ठीक है। ये मेरा इनपुट पार्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका इनपुट हो गया, ये आपका इनपुट पार्ट हो गया, ठीक है। अब यही मेरे पास इनपुट है, अब मेरे को आउटपुट कैसा चाहिए वो देखते हैं। तो मैंने क्वेरी लिखा यहाँ पे, समझ में आ गया ना, इनपुट मेरे को ये दो टेबल मिली है, और कौन सा क्वेरी यहाँ पे, सॉरी कौन सी ज्वाइनिंग यूज करनी है, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइनिंग यूज करनी है। देखो क्वेरी, ठीक है, विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेरी क्या है, वही सेम पार्ट, बस ज्वाइनिंग का जो वहां नेचुरल ज्वाइन था, इनर ज्वाइन था, उसको प्लेस कर दिया जाएगा किस पे, तो आपको लेफ्ट आउटर ज्वाइन पे, और यहां पे ऑन आ जाएगा। ऑन एक तरह से क्लाउजी बोला जाता है यहां पे, तो यहां पे एक ऑन आ गया, ठीक है, एड्रेस ऑन, और बस वही सेम कंडीशन मैंने यहां पे फुल फॉरेन की का जो कॉन्सेप्ट था रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, तो ये आपको यहां रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए क्वेरी मैंने लिख दिया। मेरे का आउटपुट क्या मिला, कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, आप क्वेरी रन करो यही आंसर आएगा यहां पे आपका। चलिए अब आउटपुट मेरे को क्या मिला, आप आउटपुट देख सकते हो। आउटपुट क्या रूल कहता है, रूल ये कहता है कि लेफ्ट का वो सारा पार्ट और राइट से जो मैच करेगा, तो ये दो पार्ट तो लेफ्ट राइट में मैच कर रहा था, यानी कि तो ये दोनों आउटपुट तो मिलेगा ही, ठीक है। और दो टेबल था ना बेटा वहां पे, तो ये लेफ्ट का दोनों मैच कर रहा था, इसलिए दोनों का पूरा रिकॉर्ड आ गया। और ये 003 था जो सिर्फ लेफ्ट में था, यानी टेबल नंबर ए में था, टेबल नंबर बी में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी हमें, टेबल नंबर बी में इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हो, मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। टेबल नंबर बी में 3 के जिक्र है, कोई जिक्र नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू रूल जब लेफ्ट इनर ज्वाइन यूज करेंगे तो दोनों का जो कॉमन वैल्यू होगा वो मेरे को एक्सट्रैक्ट करके देगा, अलॉन्ग विथ जो एडिशनल पार्ट होगा टेबल वन ए का, टेबल ए का वो भी मेरे को देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट मेरे को क्या मिला है, तो ये मेरे को आउटपुट मिला है, जो कॉमन पार्ट ये दोनों था, ये दो तो आ ही गया, ठीक है, साथ में जो लेफ्ट का जो एडिशनल पार्ट था वो भी मेरा आउटपुट निकल गया, और बाकी ये दोनों नल कर दिया क्योंकि वो लेफ्ट इनर ज्वाइन वहां पे, सॉरी लेफ्ट आउटर ज्वाइन वहां पे लगा था। क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं यहां पे, कोई कंफ्यूजन, विजिबिलिटी क्लियर है पूरा। अब जरूर हमें बताएं, हमेशा चार्ज रहे, ठीक है, कोई डाउट यहां पे। तो ये आपका था लेफ्ट आउटर ज्वाइन का कंसेप्ट, ठीक है। क्या कहता है, लेफ्ट का टोटल और जो कॉमन पार्ट है राइट का वो देता है, ठीक है। नेक्स्ट, लेफ्ट आउटर हो गया, इनर हो गया, नेचुरल हो गया, नेक्स्ट देखते हैं तो राइट आउटर, राइट आउटर ज्वाइन सेम, इसका जस्ट रिवर्स होगा भाई,
return all record from the right table and matches record from the left table. ये क्या return मेरे को देता है? तो return all record from the right table. यानी right यानी table समझते हैं, ये table number A है और ये table number B है. तो B का all, B का कौन सा part? B का all और A का sum. Sum कहने का मतलब है जो matching part है. यहाँ रीजनिंग सिलोलॉजिज्म ना समझ लें, ये मैचिंग पार्ट हो गया. ठीक है, तो ये इसका वेन डायग्राम हो गया. यानी कि राइट आउटर क्या रिटर्न देगा? तो बी का टोटल और ए का जो मैचिंग पार्ट होगा वो मेरे को रिटर्न करके यहाँ पे देगा. कौन? तो आपका राइट आउटर ज्वाइन. क्लियर है? एक बार स्टेटमेंट देख लो फिर से. यहाँ पे आप रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल एंड मैचेस द रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल. ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं यहां पे. ये हो गया कॉन्सेप्ट, बढ़ा जाए आगे. अब आते हैं इसके एग्जांपल पे. डाउट तो कोई डाउट नहीं स्टेटमेंट में, अब इसके एग्जांपल पे आते हैं. सेम टेबल है, टेबल को गौर से देखो, कुछ चेंजेस आपको दिख रहा है इसमें. थोड़ा सा इस टेबल को गौर से देखो, कोई चेंजेस दिख रहा है? ठीक है, स्टूडेंट में 1, 2, 3 है और इसमें 1, 2, 5 है. ठीक है, उसमें 1, 2, 3 है और एड्रेस वाला पार्ट में 1, 2, 5 है. ठीक है, विजिबिलिटी सही है. याद रखो, दिमाग में याद रखो कौन कौन से रिकॉर्ड यहाँ पे. अब इसके आउटपुट पे पार्ट आते हैं. ठीक है, ये दोनों मेरा इनपुट वाला पार्ट हो गया, ये दोनों मेरा इनपुट हो गया. ठीक है, ये दोनों इनपुट टेबल था. अब जैसे राइट आउटर ज्वाइन हम क्वेरी यहाँ पे सेट करते हैं, सेम सिंटैक्स. चलो, राइट आउटर ज्वाइन क्वेरी सेम है, बस लेफ्ट के जगह पे क्या हो गया, राइट आउटर ज्वाइन का क्वेरी. यहाँ पे क्वेरी तो याद ही हो गया होगा, सिंटैक्स में कोई कन्फ्यूजन हुआ नहीं होगा आपको, तो ये क्वेरी याद होना चाहिए. आउटपुट में देखो क्या चेंजेस आया, इसको आउटपुट में चेंजेस हमें क्या मिला देखो, नोटिस करो कुछ चेंजेस आया है आउटपुट में. यहाँ पे जल्दी से बताओ कि सर आउटपुट में ये चेंजेस देखने को मिल गया. आउटपुट में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिला है बच्चों? चलिए, विजिबिलिटी सही है, क्योंकि कल बड़ा इशू आ रहा था, सब ब्राइटनेस था, सब कुछ ओके कर दिया गया है. सारी चले गए,
यह आउटपुट हो गया आपका। ये दोबारा मैं बता देता हूं कि राइट आउटर जॉइन का ये क्वेरी था, आउटपुट में क्या बस चेंजेस क्या आया मेरा, तो ये एडिशनल पार्ट जो मेरा रह गया था उसमें, वो इसमें आ गया है। जो वो रूल ये कहता था कि टेबल बी का ऑल और टेबल ए का मैचिंग पार्ट, तो टेबल बी का मेरा ऑल आ गया और टेबल ए का मेरा मैचिंग पार्ट आ गया। शुड बी कंप्लीटली क्लियर, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि टेबल बी का ऑल और टेबल ए का मैचिंग पार्ट, और जो मैच नहीं कर रहा था वो यहाँ पे नल के थ्रू यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये इसके हो गए कॉन्सेप्ट किसके। ये हो गए आपके राइट आउटर ज्वाइन का। तो कंप्लीटली क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं यहाँ होना चाहिए। एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ क्योंकि बीच में कुछ टेक्निकल इशूज थे। एक बार स्टेटमेंट देख लो, राइट आउटर ज्वाइन रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल एंड द मैचेस रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। राइट का ऑल आएगा, ये ऑल पार्ट आएगा, और लेफ्ट का आपका मैचिंग पार्ट आएगा। यही आपका राइट आउटर ज्वाइन कहता है। दो टेबल मैंने आउटपुट इनपुट लिया था, ये यही दो टेबल था, टेबल ए और टेबल आपका बी था, ठीक है। तो ये दोनों में क्या था, अगर ये टेबल ए हो गया और ये टेबल बी हो गया, इसमें क्या होगा, इसका सब आएगा और इसका जो मैचिंग पार्ट आएगा वही आएगा अगर राइट आउटर हम यहाँ ज्वाइन करते हैं। तो ये रहा आपका आउटपुट उसका पर्टिकुलर क्वेरी का। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आई थिंक शुड बी कम्प्लीटली क्लियर। कोई डाउट यहाँ पे, कोई डाउट, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फुल आउटर ज्वाइन। स्टेटमेंट देखो, रिटर्न ऑल रिकॉर्ड व्हेन देयर इज मैच इन आइदर लेफ्ट और राइट टेबल। सारे रिकॉर्ड को ही रिटर्न करेगा जो लेफ्ट और राइट में मैच करे, और आइदर जो भी है एडिशनल रह जाए वो भी सब रिटर्न कर देगा। यानी कि फुल आउटर ज्वाइन का जब हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो हमें सारे रिकॉर्ड एज ए आउटपुट रिटर्न हमें मिल जाता है। तो रिटर्न ऑल रिकॉर्ड वेयर देयर इज ए मैच इन आइदर लेफ्ट और राइट टेबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेम टेबल है, स्टेटमेंट आपके सामने दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार टेबल वही है, याद हो गया होगा अभी तक टेबल, इतना बार मैंने एग्जांपल लिया है, ये टेबल तो याद ही हो गया होगा आपको, ठीक है। सेम टेबल है, क्वेरी लगा दिया, बस आउटपुट थोड़ा सा देख लो क्योंकि डाउट नहीं, आउटपुट पे जरा फोकस करो क्या एक्स्ट्रा मिला है हमें, ठीक है। सिंटैक्स सेम है, फुल आउटर, सॉरी यहाँ पे स्मॉल में लिखा है, ये भी कैपिटल में होगा फुल, ठीक है। सेलेक्ट एसटी फ्रॉम स्टूडेंट फुल आउटर ज्वाइन एड्रेस ऑन, दो टेबल, टेबल वन और ये आपका, सॉरी टेबल वन और ये आपका टेबल टू है, सेम क्वेरी हो गया, क्वेरी बंद। अब आउटपुट मेरे को क्या मिला, क्या बोला, आइदर मैच और नॉट, तो वो सारा चीज आ गया। ए था यहाँ पे, वो भी आ गया, याद करो टेबल में स्टूडेंट नंबर टू था वो भी आ गया, थ्री था वो भी आ गया, और इसका मैच नहीं कर रहा था यहाँ पे नल प्रिंट कर दिया, और इसका फाइव जो था टेबल नंबर वन में नहीं था तो यहाँ पे नल कर दिए। यानी ऑल सारा यहाँ पे मेरा आ चुका है, किसके हेल्प से, तो ये आपका फुल आउटर ज्वाइन से। एक बार अच्छे से दोबारा एक बार देख लो ताकि कन्फ्यूजन एक पॉइंट ना रहे यहाँ पे, दोबारा एक बार मैं जूम कर देता हूँ, आउटपुट एक बार देख लो ताकि चीज़ें पूरी क्लियर हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका, एक बार देख लो यहाँ पे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा देख ली, इसको यहाँ पे स्टैटिक भी कर दिया हूँ ताकि चीज़ें याद रहेगी, बस आउटपुट में कन्फ्यूज, कंसेप्ट क्लियर, आंसर क्लियर, ठीक है। कंसेप्चुअल ही क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं, तो कम्प्लीटली क्लियर है यहाँ पे। तो हमने डिस्कशन कर लिया, ज्वाइनिंग का पार्ट मेरा हो चुका है, ज्वाइनिंग क्या था ये मैंने डिस्कशन कर दिया। फोर टाइप के ज्वाइनिंग थे, इनर ज्वाइन जिसे हम EQ ज्वाइन भी कहते हैं, और नेचुरल ज्वाइन उसका एक पार्ट होता है, फिर लेफ्ट इनर ज्वाइन, सॉरी लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट इन आउट, राइट आउटर ज्वाइन एंड देन फुल आउटर ज्वाइन, ये चार थे वहाँ पे। कौन कौन, इनर, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर और फुल आउटर, सबको मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे, सबके मैंने क्वेरी यहाँ पे करा और सबका आउटपुट कैसे प्रोड्यूस होता है ये मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया। अब मामला ये आता है कि सर अभी तक जो आउटर ज्वाइन हमने पढ़ा इससे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, वो एक बार यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सम एमसीक्यू बेस्ड ऑन ज्वाइनिंग पार्ट। चलिए ज्वाइनिंग में जाने से पहले एक क्वेश्चन आ गया, चलिए
इसका आंसर आप दे ही दो तो ज़्यादा मान लेते हैं आपको। ये क्वेश्चन रह गया था चूंकि रिलेशनल अलजेब्रा का ही था, फिर मैं ज्वाइनिंग का क्वेश्चन में लाऊंगा। विच आर द फॉलोइंग यूज टू डिनोट द सिलेक्शन ऑपरेशन रिलेशनल अलजेब्रा। सिलेक्शन ऑपरेशन को कौन सा सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। एक क्वेश्चन थोड़ा सा बीच में आ गया, स्पेशल अपियरेंस है इस क्वेश्चन का, ज्वाइनिंग का क्वेश्चन के बीच में एक क्वेश्चन आ गया रिलेशनल अलजेब्रा का, जल्दी से आंसर दे दीजिए कि सिलेक्शन ऑपरेशन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कोई डाउट, ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए ज्वाइनिंग पार्ट पे। क्वेश्चंस क्या है, ये होमवर्क के लिए छोड़ दिया जाए क्या। विच ज्वाइन रेफर टू द स्क्रीनशॉट लो। Which join refer to the join record from the right table that have no matching key in left table or include in the result? चलिए, जो left से मैच नहीं करेगा, ठीक है, आपको जवाब देना है आंसर दिया जाए इसका। अब विच ज्वाइन रेफर टू द ज्वाइन रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल दैट हैव नो मैचिंग कीज इन द लेफ्ट टेबल, जो लेफ्ट से मैच नहीं करेगा। दैट नो मैचिंग की इन द, तो लेफ्ट से मैच किस में नहीं करेगा, तो वो आपका राइट आउटर ज्वाइन हो गया ना, वही आपका साइड, वो तो सिर्फ आपका राइट का मैचिंग पार्ट वहां पे लेगा, तो ये इसका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट। Which type of join is needed when you used to include rows that do not have matching value? Which type of join is needed when you wish to include rows that do not have the matching values? जिसमें matching value नहीं होता है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। दो ही क्वेश्चन से यहाँ पे मैं कराऊंगा। Which, what type of join is needed when you wish to include a rows that do not have matching value? जिसमें matching value नहीं होता है। चलिए, equi join, natural join, outer join या all of the above? चलिए, विच ऑफ द ट्वाइंस, सिंपल सा बात है, इंक्लूड विच टाइप ऑफ ज्वाइन इज नीडेड व्हेन यू विश टू इंक्लूड रोज दैट डू नॉट हैव द मैचिंग वैल्यू। तो सिंपल सा बात है, ये किस में पॉसिबल हो सकता है, तो ये आपका आउटर ज्वाइन में भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है,
द मैचिंग वैल्यू, वो आउटर ज्वाइन में ही हो सकता है, ठीक है। तो शुड बी कम्प्लीटली क्लियर। तो ये और कुछ क्वेश्चंस, दो ही क्वेश्चंस मैंने किया, कल का टेस्ट सीरीज में मैं सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस थे जो ज्वाइनिंग से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये तभी आप बना सकते हो जो कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो आप, ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन जो आपका ज्वाइनिंग बेस्ड था और उससे बेस्ड दो MCQ था। आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक फैलाएं ताकि अधिक से अधिक वैल्यूएबल कमेंट मेरे पास आए, और अपना रिव्यू हमें ज़रूर दें कि सर मेरे को और ये रिक्वायरमेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए टेस्ट सीरीज के। कल हम यहाँ पर आपको टेस्ट यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, एक टेस्ट होगा आपका मॉक टेस्ट जो बेस्ड होगा DBMS पे। तो लेट्स स्टार्ट, कल हम लोग मिलते हैं टेस्ट के लिए। आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, गुड लक।